हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाटर लिली एंड लोटस। देखिए, पहले तो मैं बता दूँ कि वाटर प्लांट है नॉर्मली जो हम अपने गार्डन में लगाते हैं, सॉइल मीडिया में, अलग अलग कंपोस्ट में। तो वो प्लांट्स एक अलग तरीके के होते हैं जिनको नॉर्मल डेली डेली बेसिस पे अपने पानी देते हैं, कभी ऑल्टरनेटिव डे पे देते हैं। किसी को कम सनलाइट चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को फुल सनलाइट चाहिए। वाटर लिली ये एक अलग प्रकार का प्लांट है। ये देखिए, जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो देखते ही बनती है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आज आपको इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो अपने सब कुछ बात करेंगे, इसको कैसे प्लांट करना है, कैसे प्रोपोगेट करना है, कैसे केयर करनी है, किस तरह से अपने इसको हर सीज़न में सर्वाइव करा सकते हैं, पानी चेंज करना है, फर्टिलाइज़र, पानी के अंदर में लार्वा हो जाते हैं मच्छरों के, उनको किस तरह से बचाना है, उस पानी को कितने समय में पानी चेंज करना है, वगैरह बहुत से टॉपिक हैं इसके ऊपर में। अपने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इसीलिए अपने ब्रेक करके दो या तीन वीडियो बना लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है वाटर लिली, एक चीज़ समझ लीजिए कि वाटर लिली और लोटस ये दोनों ही अलग प्लांट हैं। बहुत जन कन्फ्यूज़न ये करते हैं कि वाटर लिली को ही और लोटस को एक ही समझ लेते हैं, इसको भी नीला कमल कहते हैं। इसको नील कमल एक्चुअली में ये कुमुद है, जिसे रात को खुलने वाली और दिन में खिलने वाले जो लिली होते हैं कुमुद कुमुदनी कहते हैं। और लोटस जो कमल होता है ये एक पूरा अलग प्लांट है। आप देख सकते हैं ये जो लिली है, लिली के जो पत्ते होते हैं उसकी पहचान, ये कटे हुए होंगे यहाँ से, हमेशा अलग अलग शेप में हल्के हल्के रहेंगे, कोई गोल आकार में रहेगा, अलग कलर के जो रहते हैं लिलीज। और ये रहा लोटस, ये पूरा का पूरा गोल रहेगा इस तरह से, बीच में से इसके जो जॉइंट है। ये जो है जिसकी आप हालत देख रहे हैं बहुत बिगड़ गई है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्या हुआ था कि इसके अंदर पानी की कमी हो गई थी, इसको बहुत पानी चाहिए। वाटर लिली को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट है। जबकि लोटस कीचड़ में उगता है, इसको कम पानी रहेगा, कभी बहुत कम पानी हो गया तो भी वो सर्वाइव करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर वाटर लिली, पानी कम हुआ तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला और सबसे आपको सीखने समझने के लिए अच्छा एग्जांपल है ये कि किस तरह से इसके पत्ते सारे सूख गए हैं। ये देखिए, ये सिर्फ दो दिन के अंदर में इस प्लांट का ही सत्यानाश हुआ है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सप्ताह भर के अंदर में वापस से बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ और आगे जाके इसका अपडेट भी दूंगा, जब पूरा पूरा वापस अच्छा हो जाएगा। और ये 15 दिन पहले कैसा था उसकी पिक मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ। अभी मैं इसका पानी चेंज करूँगा और थोड़ा सा इस प्लांट को सुधारूँगा, आप वो आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट है। देखिए, ये एक बाल्टी है, उसके अंदर मैंने एक ठो गमला रख के रखा है, उस गमले में मैंने इस लिली को प्लांट किया हुआ है। धूप बहुत आ रही है, मुझे कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसका पानी किस तरह से गंदा हो गया है, इस पानी को चेंज करेंगे। ये ऊपर के थोड़े फ्लोटिंग जो डकवीड है ये हटा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए, इसमें नई नई कलियाँ आ रही है, इसके जो पत्ते ख़राब के सड़ गए हैं मैं उनको सबसे पहले अलग कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि जब भी हम इसको लगाएंगे तो इस तरह के ही कंटेनर में लगाइए जिसके नीचे होल नहीं हो। कि आमतौर पे हम जिस गमले में पॉट में लगाते हैं अपने नॉर्मल प्लांट्स सॉइल मीडिया में, उसके अंदर हम लोग ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा नीचे में
होल करके रखते हैं, पर वाटर लिली या लोटस समझो लगाएंगे तो मैं ऐसे कंटेनर में लगाना है जिसके नीचे छेद नहीं हो। मैं इसे थोड़ा सा सुधार लेता हूँ फिर आपको आगे से दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं जब इसे थोड़ा इसकी हालत सुधार रहा हूँ तो एक नई चीज़ मेरे नज़र में आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, कि वाटर लिली के लीफ के पीछे मुझे मिली बग्स दिखे। ये मिली बग्स अटैक वाटर लिली प्लांट के में भी होते हैं, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसे तोड़ के हटा दिया है ताकि और नहीं फैले, और इसे मैं सुधार देता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब मैं नया पानी भर लिया है और ये इस तरह से एक प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है। इसे मैंने पूरा छांट दिया है, अब इसे कंडीशन ठीक लग रही है। जो पत्ता थोड़ा ठीक था मैंने छोड़ा है, और ये सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर में ही बहुत अच्छे से पत्ता कर इसके भर जाएंगे। इसके लीव्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, पानी मिले तो बहुत हेल्दी रहता है प्लांट। ये जो कलर है, इस कलर का वाटर लिली, आप मान के चलिए कि डेली कम से कम मिनिमम एक ब्लूम तो इसकी पक्की होनी ही है। यदि आप लगाते हैं तो आपको डेली मिनिमम एक ब्लूम मिलेगी। सिर्फ ठंड का समय ऐसा आता है जब ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, प्लांट सर्वाइव करता है, ब्लूमिंग भी होती है। ऐसा नहीं कि ब्लूमिंग होती नहीं है, इस प्लांट में होती है। ये देखिए, इसमें और नई नई 3-4 तो कलियाँ हैं, इधर में भी एक तो है, आप देख पा रहे होंगे। ये डेली 2-3 ब्लूम इसकी होती है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। अब इसको देखिए, सीधा सा एकदम आसानी से कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूं ही इसको इस बाल्टी के अंदर डाल देना है। बस अब इसकी सप्ताह 10 दिन के अंदर में क्या कंडीशन होती है मैं आपको इसकी पूरी अपडेट देता हूँ।